लालची भगवान के मुंह पे दो पैसे ज्यादा मार के देख लो, ये सड़क पे नंगा नाच लेंगे, और दो पैसे कम मार के देख लो तुम्हारी छाती पे नाच लेंगे। सेम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मैं एक बार अपने एक दोस्त को रात को 1 बजे लेके गया था इमरजेंसी वार्ड के अंदर। ये हॉस्पिटल मेरे घर के बहुत पास था और मेरा दोस्त मेरे घर के आसपास रहता था और उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसने मुझे फोन किया, मैंने रात को कैब बुक करी, मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके गई और उन्होंने उसको वहां पे जाके लिटा दिया। अभी जब वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेटा हुआ तो डॉक्टर उससे पूछ रहे कि बेटा क्या हुआ तुझे, वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रही है। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि यार इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर डॉक्टर उससे उसकी उम्र पूछ रहे कि बेटा तुम्हारी एज क्या है, और वो बोल नहीं पा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि मैम इसकी एज इतनी और ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज इसको सोल्व करने की ट्राई करो, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, आप प्लीज इसको जल्दी एडमिट करो क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल हो चुकी है। मुझे अभी उस रिसेप्शनिस्ट ने मुझे 13 मिनट तक घुमाया और 13 मिनट बाद जैसे ही पूरी की पूरी रिपोर्ट लिख के मैं उसके पास इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा तो वो वहीं लेटा तड़प रहा था। और वो 13 मिनट जब मैं रिसेप्शन के ऊपर था उसमें से 1 मिनट लगा के उन्होंने उसका बीपी चेक किया और बाकी सारों ने मिलकर 12 मिनट उसको अच्छे से तड़पते हुए देखा। जैसे मैंने उनको लाके पे स्लिप दी कि भैया पैसे दे दिए हैं, तो वो उसको ले जाके एडमिट कर रहे और उसके बाद उसका इलाज चालू कर रहे। मुझे काफी बुरा लगा कि मेरा सो कॉल्ड भगवान 12 मिनट तक किसी को तड़पता हुआ कैसे देख सकता है। कहते हैं ना डॉक्टर बनने के लिए आपका दिल बड़ा मजबूत होना चाहिए क्योंकि आपको ऑपरेशन करने होते हैं, आपको लोगों को पागल बनाना होता है, आपको लोगों की मौत के ऊपर खेलना होता है, आपका दिल तो पक्का होना चाहिए। हर कोई छोटे दिल वाला आदमी किसी की मौत के ऊपर पैसा नहीं कमा सकता है ना। और दोस्तों इस वीडियो को देख करके लग रहा है कि आज की डेट में डॉक्टर से बड़ा क्रिमिनल, डॉक्टर से बड़ा जल्लाद कोई नहीं है। इन लोगों ने आपको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि आज की डेट में अगर हॉस्पिटल के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके घर वालों को लगता है कि इसमें डॉक्टर की कमी रही होगी। हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा होता भी हो, लेकिन अक्सर जब आप कोई एक्शन लेते हैं डॉक्टर के खिलाफ तो अक्सर आप ईमानदार और अच्छा काम करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ ही एक्शन लेते हैं, क्योंकि जो बेईमान होते हैं वो पहले से ही अपने आप को सेफ रखते हैं या वो ऐसा कोई स्टेप ही नहीं उठाते हैं जहां पर वो फंस सकें। अभी शायद आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हो रहे होंगे, तो एक पुरानी फिल्म का एक छोटा सा क्लिप देखिएगा, उसके बाद मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि कैसे आज की डेट में ईमानदार डॉक्टर आपके इन ब्रेन वॉश होने की वजह से नुकसान उठाते हैं और जिसकी वजह से इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन जब मसीहा कुछ जल्लाद बन जाए तो उसे हादसा नहीं कहते योर ऑनर, उसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। क्योंकि दवा की खुराक दिए जाने से पहले कानून अपने रजिस्ट्रों की खानापूरी मांगता। अब इस क्लिप में आपने देखा कि एक डॉक्टर ने बिना कुछ परवाह किए एक मरीज की जान को बचाने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया कि रोड पे ही उसको ऑपरेशन करने लग गया। लेकिन आज की डेट में इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए किसी को, या बहुत ज्यादा वो डॉक्टर होना चाहिए जो अपनी डॉक्टरी को बिल्कुल एक अपने मजहब की तरह ऊपर मानता हो कि उसका लोगों की जान बचाना उसका धर्म है और फर्ज है। लेकिन आप बताइए इस तरह के केसेस में क्या आज की डेट में ऐसा नहीं होगा कि अगर मरीज की जान चली जाए तो उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और उस डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसीलिए आज की डेट में इस तरह की डॉक्टरी ईमानदार डॉक्टर लोग चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। ये बात सही है कि जब कोई इमरजेंसी का केस होता है तो डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा होता है, और डॉक्टर हर बार कामयाब नहीं होता है क्योंकि मौत तो एक ना एक दिन सभी को आनी ही है। ऐसे में जब भी पेशेंट की मौत होती है तो उसके घर वालों को लगता है कि इसमें डॉक्टर की ही कमी थी, क्योंकि आप ऐसे लोगों से मेडिकल साइंस सीखते हैं, ये जो ज्ञानी यूट्यूबर है, ऐसे लोगों से इनका निष्कर्ष सीखते हैं जो यहाँ पर इस यूट्यूबर ने बताया है, उसको मैं इस वीडियो के एंड तक बिल्कुल गलत साबित कर दूंगा। पहले मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं अपनी रेजिडेंसी पीरियड में था, यानी जब मैं पीजी कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, आप कह सकते हैं जब मैं जूनियर डॉक्टर था या मैं ट्रेनी डॉक्टर था, ट्रेनिंग ले रहा था, उस समय हमारे पास इमरजेंसी में एक बार ऐसा पेशेंट आया जो कि बहुत ही सीरियस था, जिसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वो सांस कुछ इस तरह ले रहा था, एक सांस लेने के बाद वो कुछ सेकंड के लिए रुक जाता था, ऐसा लगता था कि पेशेंट चला गया, फिर एक सांस लेता था और फिर रुक जाता था, जिसे हम डॉक्टर गैस्पिंग बोलते हैं। गैस्पिंग का मतलब हो गया कि पेशेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इमरजेंसी में जब ये पेशेंट हमारे पास आया तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं अपने सीनियर डॉक्टर्स को बुलाता जिनके आने तक वो पेशेंट डेफिनेटली एक्सपायर हो जाता, या फिर मैं इसे कहीं रेफर करता तो शायद ये हॉस्पिटल के गेट से बाहर भी ना निकल पाता और एक्सपायर हो जाता, और या फिर इमीडिएटली मैं इस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के ऑपरेट करता। तो मैंने यही बेहतर समझा कि इस पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लेकर के ऑपरेट किया जाए। पेशेंट को हमने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में, और पेशेंट की जो बीमारी थी कि उसका गला ऊपर से ब्लॉक हो चुका था, तो मुझे उसके ट्रेकिया में यानी सांस की नली में नीचे से एक रास्ता बनाना था सांस के लिए।
अभी सर्जरी को मुझे जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी करना था। मैंने अपनी लाइफ में सबसे फास्टेस्ट ट्रेकियोस्टमी यानी कि ट्रेकिया की सर्जरी उसी दिन की थी। 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने इस सर्जरी को कंप्लीट कर दिया, शायद 30 या 40 सेकंड के अंदर, बिना ये सोचे कि पेशेंट को ब्लीडिंग होगी या क्या होगी। मेरा सिर्फ टारगेट यह था कि मैं कितनी जल्दी पेशेंट की ट्रेकिया को ओपन कर दूं, यानी उसकी सांस की नली को ओपन कर दूं। जब मैंने ब्लेड हाथ में उठाया था तो कुछ ही सेकंड में मेरे दिमाग में ये ख्याल चल रहे थे कि यार अगर मैंने इसकी सर्जरी की, चूंकि बचने की संभावना बहुत कम है, तो ऐसे में ये अगर नहीं बचा तो शायद पूरे हॉस्पिटल में यही होगा कि डॉक्टर जिया सर्जरी कर रहे थे और पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो ऐसे कई सारे मन में सवाल आते हैं कि पेशेंट के घर वाले भी कहेंगे कि फला डॉक्टर ऑपरेट कर रहे थे, हमारा मरीज एक्सपायर हो गया, या हो सकता है वो कुछ बवाल करें। ये सारे सवाल कुछ ही सेकंड में मेरे दिमाग में घूमते हैं, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि नहीं, अगर मैं सक्सेस हो गया तो इस पेशेंट की जान बच जाएगी। एक अटेम्प्ट है इसकी जान बचाने का, उसके अलावा ये पेशेंट का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो मैंने अपनी सर्जरी शुरू की और 30 सेकंड के अंदर अंदर शायद इसे फिनिश कर दिया। जैसे ही हमने पेशेंट की ट्रकिया को खोला, पेशेंट की ब्रीदिंग और उसका हार्ट रेट बंद हो गया, यानी कि पेशेंट कह सकते हैं आपकी डेड हो गया या एक्सपायर हो गया। फिर हमने पेशेंट की सांस की नली में ट्यूब डाली, उसके बाद उसका CPR किया, जो कि डेड पेशेंट में आपने फिल्मों में देखा होगा कि चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। तो हमने जब पेशेंट का कुछ देर तक CPR किया तो वो पेशेंट वापस से दोबारा रिवाइव हो गया, यानी वो जिंदा हो गया आप कह सकते हैं, क्योंकि जब पेशेंट के हार्ट बीट और सांसें बंद हो जाती हैं तो उसे कुछ समय के बाद ब्रेन डेड होता है। तो चूंकि हमने इसने CPR किया, ये पेशेंट वापस आ गया और बाद में हमने इसको एडमिट रखा और कुछ समय के बाद ट्यूब को निकाल करके पेशेंट को डिस्चार्ज किया और पेशेंट हेल्दी अपने घर गया। अब अगर यहां पर मैं सक्सेस ना होता तो कई तरह की बातें बन सकती थी कि एक जूनियर डॉक्टर ने एक मरीज के ऊपर अपना हाथ ट्राई किया और मरीज की जान ले ली। तो इस तरह से बहुत सारी बातें बन जाती हैं हमारे देश में डॉक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड ज्ञानी यूट्यूबर्स हैं ये अपना मशवरा या अपना निष्कर्ष देने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का केसेस मेरे ही साथ नहीं, लगभग हर एक डॉक्टर के साथ अक्सर ही आते हैं और हमेशा ही आते रहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह का केस जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे था तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर आज की डेट में जब मैं कम से कम 12 साल सीनियर हो चुका हूं, अगर मेरी क्लिनिक पे इस तरह का केस आ जाए तो सच कहूं कि मुझे इस केस को करने के अगर आप 50 लाख या 1 करोड़ भी दे तो मैं शायद करने से कतराऊंगा या पीछे हटूंगा। मैं अपने आप को अयोग्य घोषित कर दूंगा कि मुझे ये सर्जरी करना नहीं आती है, मैं शायद ये सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, मेरा हॉस्पिटल इस सर्जरी को करने के लिए इक्विप्ड नहीं है, आप किसी बड़े अस्पताल पे लेकर के जाओ इनको। ये मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसा कहूं पेशेंट को। हालांकि यही मजबूरी हमें सबसे ज्यादा खलती है, क्योंकि अगर मैं इस पेशेंट को पैसे के लिए नहीं ऑपरेट करूंगा, लेकिन इसकी लाइफ के लिए तो मैं इसको ऑपरेट करना ही चाहूंगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस पेशेंट को मैं ऑपरेट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इस तरह के पेशेंट को रेफर किया तो ये रास्ते में जाते जाते एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन आपने हमारे लिए मुश्किल बना दिया है कि इस तरह के केसेस को हम लेकर के ऑपरेट कर सकें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ही सक्सेस हो जाए। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम ऑपरेट करें और पेशेंट नहीं बचा, तो ऐसे में शायद आप मारपीट कर दोगे या फिर कोर्ट केस कर दोगे या फिर कुछ और। तो हमें जो सबसे ज्यादा खलता है वो ये है कि अगर इस तरह के केस आज की डेट में हमें मजबूरन रेफर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें शांति से खुद जीना है, हमारे फैमिली वालों को जीने देना है, तो इसलिए अगर हमें रेफर करना पड़ता है तो हमें ढंग से नींद नहीं आती है कि शायद मैं उस मरीज को बचा सकता था लेकिन मजबूरन मैंने रेफर कर दिया, शायद वो रास्ते में ही एक्सपायर कर गया होगा। ऐसे में हमें फील होगा कि हम वाकई में एक क्रिमिनल हैं, क्योंकि जहां हम किसी को बचा सकते थे अगर हमने नहीं बचाने की कोशिश की तो सच में हम एक क्रिमिनल हैं। तो दोस्तों, बियॉन्ड द लिमिट आपकी हेल्प हमेशा एक ईमानदार डॉक्टर ही करता है, और जब कोई इंसान किसी की बियॉन्ड द लिमिट हेल्प करने की कोशिश करता है तो ऐसे में उसके फंसने के भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो बेईमान डॉक्टर हैं वो हमेशा ये देख के चलते हैं कि कहां पर उनके फंसने के चांसेस है, वहां से वो दूर रहते हैं। इस वीडियो में इस मास्क वाले बंदे ने अपने दोस्त की जो कहानी बताई है, जिसमें इनका दोस्त तड़प रहा है और डॉक्टर हाथ बांध करके देखकर मजे ले रहे हैं, उसका जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल साइंस की जानकारी देना चाहूंगा। जब हम अपने MBBS पीरियड में थे तो मुझे याद है कि एक बार सर्जरी की क्लास में हमारे प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा कि अगर आपके पास इमरजेंसी में दो तरह के पेशेंट आए, एक जो बहुत ही तड़प रहा है, चिल्ला रहा है और दर्द के मारे आपको बार बार बुला रहा है कि डॉक्टर मेरे को देखो, मेरे दर्द को आराम दो, और दूसरा पेशेंट जो चुपचाप लेटा हुआ है और कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ऐसे में अगर आप में से एक ही डॉक्टर है, ज्यादा डॉक्टर नहीं है वहां पर, तो आप पहले किस मरीज को अटेंड करोगे या पहले किस मरीज के पास जाओगे? तो हम में से ज्यादातर लोगों को लगा कि जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पहले उसके पास जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हमें उसके पास जाना है जो शांति से लेटा हुआ है, क्योंकि जो लेटा हुआ है उसके बारे में एज ए डॉक्टर हमको कुछ भी नहीं पता,
कि वो सेंस उसका नॉर्मल है कि नहीं है, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है कि नहीं, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है कि नहीं, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में हमको नहीं पता है उस बंदे के बारे में जो चुपचाप है, लेकिन जो चिल्ला रहा है उसके बारे में कई चीजें वो चिल्ला करके पहले ही बता दिया। पहली चीज कि उसका सेंस प्रॉपर है, उसे पता है कि वो हॉस्पिटल में है इसलिए वो डॉक्टर को पुकार रहा है। उसको पेन यानी दर्द महसूस हो रहा है तो उसका पेन का भी सेंस प्रॉपर है, उसकी ब्रीदिंग भी अच्छी चल रही है तभी वो चिल्ला पा रहा है, उसकी हार्ट बीट भी अच्छी चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा तभी वो जोर जोर से आवाजें लगा पा रहा है। तो ऐसे में जो आम पब्लिक होती है उसको अक्सर ऐसा लगता है कि हमारा मरीज इतने दर्द में है, इतना चिल्ला रहा है और ये दूसरे मरीज को देखने जा रहे हैं जो चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये मिसकंसेप्शन हो जाता है या मिस गाइडेंस हो जाता है जो इस वीडियो में इस बंदे ने भी किए है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं जो हमारे प्रोफेसर ने हमको बताया था। एक बार दो बाइक सवार लड़कों का एक्सीडेंट होता है जिसमें एक बंदे को ज्यादा चोटें आती है और एक को बिल्कुल भी कोई चोट नहीं आती है। ये जो जिसको चोट नहीं आती है वो अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचता है और फिर घर वालों को इन्फॉर्म कर देता है। फिर जिसको चोटें आई होती हैं उसको ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स अंदर ले लेते हैं, उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अब जिसको चोट नहीं आई है वो वहीं पर बैठा होता है, फिर वो अपने घर वालों को बोलता है कि मुझे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो घर वालों को लगता है कि शायद इसने अपने फ्रेंड का एक्सीडेंट देखा है इसलिए ये टेंशन में होगा, तो उसको घर भेज देते हैं कि तुम जाओ घर और आराम करो। वो अपने घर पहुंचता है और अपने कमरे में जाकर के लेटता है या सो जाता है और फिर वो कभी नहीं उठा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो दूसरा बंदा था जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दरअसल उसको हेड इंजरी हुई थी और उसके सर के अंदर ही अंदर कोई नस फट गई थी जो ब्लीड कर रही थी, और जब वो ब्लीडिंग बढ़ी तो पहले उसको पेन हुआ और जब ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ती है तो मरीज बेहोश हो जाता है, और जब ब्लीडिंग और ज्यादा बढ़ती है तो ब्रेन के ऊपर इतना कंप्रेशन बना देती है कि आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और आपकी दिल की धड़कन और आपकी सांस काम करना बंद कर देती है। अब जिस दिन मैंने इस बंदे की वीडियो देखा था उसी दिन मेरी ओपीडी के बाहर एक 20 से 22 साल की लड़की आती है जिसके गले में बहुत ज्यादा दर्द था, इतना दर्द कि गले पे हाथ रखने पर भी वो चीख रही थी चिल्ला रही थी। पेशेंट स्ट्रेचर पे आई थी, फिट फटाक थी, उस हेल्दी लग रही थी, लेकिन व्हील चेयर पे आई थी और बाहर बैठ के ओपीडी के रो रही थी। उसको इतना दर्द था कि वो एक टैबलेट या कैप्सूल भी नहीं निकल सकती थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में जब ये पेशेंट हमारी ओपीडी के बाहर था तो उसके घर वाले बवाल कर रहे थे कि हमारा पेशेंट इतना सीरियस है और डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर को बुलाओ देखें। पेशेंट को हिस्टीरिया था या जिसे फंक्शनल डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे। अब इस तरह के पेशेंट को जो दर्द में चीख रहा है, बेसिकली इलाज ही यही होता है कि इनके दर्द को, इनकी चीख को, इनकी तड़प को इग्नोर किया जाए, क्योंकि ये असल में बीमारी थी ही नहीं या बीमारी होती ही नहीं है। अब मैंने पेशेंट के घर वालों को कुछ दवाई लिखी और उनको यही समझाया कि आपको इनके ऊपर कम से कम ध्यान देना है, जितना ज्यादा आप इनको ले करके या इनके आसपास बैठे रहेंगे, इनके ऊपर ध्यान देते रहेंगे, ये चीज उतने लंबे समय तक चल सकती है। अब इस तरह की बातें कई बार लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है, उनको लगता है कि हम पेशेंट को एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं या इलाज नहीं करना चाह रहे हैं इसलिए हम उन्हें इस तरह की बातें बता रहे हैं, या दूर से देखने पर कई बार लगता है कि मरीज इतने दर्द में है और डॉक्टर के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह की मेडिकल साइंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में इन यूट्यूबर्स को कोई एक केस उठा करके उस पर जो अपनी राय, अपना जो निष्कर्ष दे देते हैं वो करना गलत बात है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो पब्लिक को गुमराह ना करें। अब इनके जो मित्र का केस है वो समझते हैं। इनके मित्र को पेट में बहुत ज्यादा पेन था, दर्द था। जब डॉक्टर मरीज से बार बार सवाल कर रहा है तो ये बार बार बीच में जवाब दे रहे हैं और इस बात को निगेटिविटी के साथ उठा रहे हैं कि डॉक्टर मरीज से सवाल पूछ रहा है, इतने सीवियर मरीज से। भाई मरीज कितना भी सीवियर क्यों ना हो, जब डॉक्टर मरीज से सवाल पूछता है तो कुछ चीजें डॉक्टर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है और ये डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि कौन से सवाल मरीज से पूछने हैं और कौन से सवाल उसके साथ वाले से पूछने हैं। हमारी ईएनटी की स्पेशलिटी में बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जो बोल उनकी बोली एकदम खत्म हो जाती है, यानी जब वो बोलने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ हवा निकलती है, लेकिन ऐसे मरीजों से हम खुद मरीजों से ही बात करते हैं, उनके घर वालों को चुप करा देते हैं कि आपको नहीं बोलना है। अब आपको देख के लग रहा होगा कि जिसकी आवाज ही नहीं निकल रही है उसी से बात करना है, तो ये मैं आपको डिटेल नहीं समझा सकता लेकिन ये जरूरी होता है। जब हम एमबीबीएस कर रहे थे तो उस समय जब हम किसी मरीज को दिखाने के लिए अपने प्रोफेसर के पास जाते थे तो हम सोचते थे कि अपने मरीज की पूरी जानकारी हम पहले ले लें कि उसको क्या परेशानी थी, कितने दिन से थी, और फिर प्रोफेसर को जाकर के हम खुद बताएंगे मरीज को लेकर के। और अक्सर ऐसा होता था कि जब हम मरीज को डॉक्टर के पास बिठालते थे और जब डॉक्टर पूछते थे कि बताइए क्या परेशानी है, और जैसे ही हम बोलते थे कि सर इनको ये परेशानी है, डॉक्टर तुरंत हमें चुप करा देते थे कि ये बोल लेंगे। हमने कहा सर बोल लेंगे, तो उनको बोलने दो। हम सोचते थे कि हमने ज्यादा अच्छे से इनकी परेशानियों को समझा हुआ है तो हम बताएंगे। और आज भी अक्सर ऐसा मरीज करते हैं या मरीज के घर वाले करते हैं
कि वो चाहते हैं कि हम बता दें, क्योंकि हमने ज्यादा अच्छे से अपने मरीज से जान रखा है, समझ रखा है, हमारा मरीज हो सकता है कुछ चीजें भूल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई भी डायग्नोसिस बनानी होती है तो हमेशा पहले मरीज से ही पूछा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है क्योंकि मरीज अपनी परेशानियों के बारे में सबसे बेहतर जानता है। वो जानता है जब हम उससे पूछते हैं कि आपको क्या परेशानी है, तो उसे पता है कि कौन सी परेशानी से वो सबसे ज्यादा परेशान है। अगर उसकी 5 परेशानियां हैं तो कभी भी वो ये नहीं करेगा कि जो उसकी सबसे बड़ी परेशानी है उसे वो तीसरे नंबर पे बताए, वो हमेशा उसे पहले नंबर पे बताएगा, लेकिन 7 वाला हो सकता है उसे दूसरे नंबर पे बता दे। तो हमेशा मरीज से पूछने के पीछे बहुत ज्यादा बड़ा साइंस है। मरीज से मल्टीपल सवाल पूछे जाते हैं कि दर्द आपको कब से है, कितने दिन से है, जब उठा तो आप क्या कर रहे थे, किस तरह का दर्द होता है, जलन जैसा होता है या चुभन जैसा होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो यहां पर डॉक्टर का मरीज से पूछना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये डायग्नोसिस का एक पार्ट है। अब इस तरह के सीवियर एब्डोमिन पेन में कई तरह की डायग्नोसिस हो सकती है, जिसमें कुछ डायग्नोसिस ऐसी है जो जानलेवा भी हो सकती है, जैसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस एक्सेट्रा। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर मरीज का इलाज शुरू करे उससे पहले जरूरी है कि डॉक्टर डायग्नोसिस बनाए कि डायग्नोसिस क्या है। इस तरह के केसेस में इलाज शुरू में सिर्फ इतना किया जा सकता है कि मरीज को एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया जा सकता है, बस। उससे ज्यादा का इलाज करने के लिए डायग्नोसिस बनाना जरूरी है। अब मरीज को पेन किलर का इंजेक्शन देने के लिए उसको भर्ती करना जरूरी है, क्योंकि अगर इंजेक्शन देते समय मरीज की जान चली गई तो ऐसे में हॉस्पिटल या डॉक्टर के ऊपर एक कोर्ट केस बन जाएगा कि आपने इंजेक्शन दिया, आपने गलत इंजेक्शन दे दिया और मरीज की जान चली गई। तो ऐसे में अगर डॉक्टर अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं रखेगा तो वो कोर्ट में अपने खिलाफ किसी भी बात को साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट हमेशा डॉक्यूमेंट ही मांगती है, बस। अब इन महाशय के हिसाब से 12 मिनट तक डॉक्टर उसे ऐसे देखते रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है उन 12 मिनट में जब आप वहां पे नहीं थे उन्होंने उसका वाइटल चेक किया हो, उन्होंने कुछ डायग्नोसिस बनाने की कोशिश की हो, और हो सकता है उन्होंने पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया हो जिसका इफेक्ट आने में 10-15 मिनट का समय लग सकता है। तो जब आप 12 मिनट बाद वापस गए अपने दोस्त के पास और उसको वैसे ही तड़पता हुआ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि डॉक्टर इस तरह हाथ बांध करके मजे ले रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपके मरीज का दर्द अभी तक गया नहीं, इसलिए आपको लगा कि डॉक्टरों ने कुछ किया नहीं। भाई, डॉक्टर इलाज करता है, मैजिक नहीं करता है कि आप एक दर्द में कराते हुए मरीज को लेके आए और उसने यूं हाथ घुमाया और मैजिक किया और वो दर्द गायब हो गया। उसमें कुछ समय लगता है कई बार। तो इस पूरी वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि इस तरह के लोग जो आपको एक इंसिडेंस के बारे में बताते हैं और वो इंसिडेंस सही भी होता है, इन्होंने जो कुछ भी बताया सब कुछ सही रहा होगा, लेकिन उसके जो अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, जो और पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसके बारे में ना इनको पता होता है और ना ये आपको बताना चाहते हैं। ऐसे में ये आपको ब्रेन वॉश करते हैं, मिसगाइड करते हैं। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस तरह के लोग आपको ब्रेन वॉश करते हैं। मान लीजिए एक पटरी पे एक ट्रेन आ रही है और उसी पटरी पे एक आदमी बंधा हुआ है और उसी पटरी का एक और भी रास्ता है जो कि ट्रेन उस पर मुड़ सकती है। अब जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने गाड़ी रोकी नहीं और जो आदमी पटरी पर बंधा हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कुछ दूर जाकर के वो गाड़ी रुक गई और जो ट्रेन का ड्राइवर था उसे वहां की पब्लिक ने उतारा ट्रेन से और उसको मार पिटाई करके वहीं पे खत्म कर दिया। अब न्यूज ऐसे अगर हम बनाए कि इस तरह के ड्राइवर को तो मार के खत्म कर देना चाहिए, वहीं मौके पे ही मार देना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल है। आजकल इस तरह के ड्राइवर ने एक्सीडेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, निर्दोष लोगों की जान लेने लग गए हैं, ये क्रिमिनल है, तो ऐसी न्यूज सुनने में सही लगेगी। लेकिन क्या आपके दिमाग में ऐसे केसेस में दूसरी भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ रही है, जो कि पॉसिबल हो सकता है कि ये ड्राइवर एक ईमानदार इंसान हो जिसकी वजह से ये ट्रेन उस इंसान के ऊपर चढ़ गई? अब आप कहोगे कैसे? मान लेते हैं कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाई लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि ट्रेन रुकने से पहले उस आदमी के ऊपर चढ़ गई और ट्रेन आगे जाकर के रुकी। मान लेते हैं कि ड्राइवर ने चाहा होता कि दूसरी साइड के ट्रैक पे गाड़ी को मोड़ देता ट्रेन को, लेकिन दूसरे ट्रैक पे 5 और लोग बंधे हुए थे इसलिए ड्राइवर ने उधर नहीं मोड़ा, या फिर जो दूसरा ट्रैक था वो आगे जाकर के टूटा हुआ था उस पे अगर गाड़ी जाती तो पूरी ट्रेन पलट सकती थी और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी, या दूसरे ट्रैक पर एक और फास्ट ट्रेन आ रही थी, अगर ड्राइवर उधर मुड़ता तो उससे टक्कर हो सकती थी, या ड्राइवर ने जब इस इंसान को पटरी पे बने देखा तब तक देर हो चुकी थी, अगर उस समय वो ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर मोड़ने की कोशिश करता तो शायद ट्रेन पलट जाती। तो इस तरह की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हमारा ब्रेन वॉश जब होगा तो हमको ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। तो ऐसे में जब आपको लगे कि हाँ सामने वाले की गलती है तो उसको पकड़ करके अगर आप कोर्ट में ले जाओगे तो सामने वाला अपना व्यू पॉइंट बताएगा कि मैंने ये काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें उस तरफ थी जो कि आपको नहीं पता, सिर्फ उस ट्रेन ड्राइवर को पता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि फला केस में डॉक्टर ने
या हॉस्पिटल वालों ने इस तरह की गलती करी है या इस तरह का क्राइम करा है, तो या तो उस न्यूज की दूसरी पॉसिबिलिटीज को भी समझिए, क्योंकि हम डॉक्टर अक्सर दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में कोई आकर के बोलता नहीं है और हमारी कोई सुनता भी नहीं है। इस तरह के यूट्यूबर्स को लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, जो डॉक्टरों की बुराई कर रहे हो उसमें लोगों को ज्यादा मजा आता है। तो जब कभी इस तरह का केस आपको दिखे तो उस केस को वहीं फैसला करने के बजाय अपने कोर्ट तक ले जाइए, कोर्ट उसकी इनडेप्थ में जाएगा और आपको हकीकत का पता अपने आप चल जाएगा। इस तरह के मामलों में कोर्ट का ज्यादा फोकस होता है कि जो पेशेंट है उसके कोई नुकसान ना हो, उसके हित में फैसला हो। तो अगर डॉक्टर या हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी गलती होती है तो ऐसे में कोर्ट उसको कभी भी माफ नहीं करता है और पेशेंट या उसके घर वालों के ही हक में फैसला देता है, अगर हॉस्पिटल की गलती है तो। लेकिन जहां पर डॉक्टर और हॉस्पिटल की गलती ना हो तो ऐसे में अननेसेसरी का कोर्ट केस मत करिए, ऐसे में आप ही को नुकसान होना है। क्योंकि जितनी बार भी किसी डॉक्टर के साथ आप मारपीट या कोर्ट केस करते हैं तो ऐसे में बाकी डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं कि हमें सीवियर केस नहीं लेना है, हमें सीरियस केसेस को रेफर कर देना है, या कोई केस लेना है तो उसमें पहले डॉक्यूमेंटेशन करना है, पहले मरीज के हस्ताक्षर लेने हैं, उसकी वीडियो बनानी है, इन सब चीजों का काम पहले किया जाता है, उसके बाद आपके मरीज का इलाज शुरू होता है। तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि इस तरह का काम आप ही लोग करते हैं और आपसे इस तरह का काम इस तरह के यूट्यूबर आपके ब्रेन वॉश करके कराते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेडिकल फील्ड में करप्शन नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस और जानकारी होगी तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरह का करप्शन है और कौन सा बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है और कहां पर करप्शन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।